हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। दिस इज़ द व्लॉग 3 ऑफ द सीरीज ऑफ वृंदावन। तो घर से निकलते ही, मतलब वृंदावन में जो आश्रम में हम लोग रुके हुए थे, वहाँ से निकलते एक बहुत अच्छा प्यारा सा भैया था जिसका चाय का दुकान बहुत फेमस है, तो उनका पास चाय तो हम लोग डेली पीते थे। तो उसके बाद थोड़ा सा चलने के बाद हम लोगों को आज का जो डेस्टिनेशन है रामकृष्ण मिशन वृंदावन, वहाँ पर पहुँच गए हम लोग। अब ये रामकृष्ण मिशन का जो विस्तार है, ये तो कोई, मतलब वी कांट डिस्क्राइब दैट इन वर्ड्स। तो वृंदावन का रामकृष्ण मिशन बहुत बड़ा है एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ मंदिर जो आप लोगों को अभी दिख रहा है, ये मंदिर का साइड फेज है। तो एक्चुअली हम लोग रामकृष्ण मिशन पहुँचे थे, यही शाम का कुछ 5:30 बज रहा था, तो वी थॉट कि मंदिर बंद है, तो ये भैया से हम लोग पूछ लिए, लेकिन मंदिर तब खुला हुआ था। थोड़ी देर बाद आरती स्टार्ट होने वाली थी, सो हम लोग मंदिर में पहले गए थोड़ा दर्शन करने के लिए। तो रामकृष्ण मिशन इज़ ऑल अबाउट पीस हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा शांत होता है इसका अंदर का एटमोसफियर, यू कैन फील दैट। तो जब हम लोग अंदर पहुँचे तो महाराज जी रामकृष्ण देव को फूलों से सजा रहे थे, क्योंकि थोड़ी देर बाद आरती स्टार्ट होने वाला था, तो 6:40 वॉज द आरती टाइम। तो मंदिर में थोड़ी देर बैठने के बाद हम लोग फील किए कि थोड़ा आसपास का जगह भी हम लोग को एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि रामकृष्ण मिशन वृंदावन वाज ह्यूज। तो मंदिर से बाहर आने का बाद ही हम लोगों को मिला मठ। मठ मीन्स जहाँ पर जो मॉन्ग्स होते हैं रामकृष्ण मिशन का, वो मॉन्ग्स वहाँ पर रहते हैं। तो ये हम लोग देख रहे हुए मॉन्ग्स क्वार्टर है, वन ऑफ द मॉन्ग्स क्वार्टर। ऐसा बहुत सारा मॉन्ग्स क्वार्टर है जहाँ पर सन्नाशी लोग या महाराज रहते हैं। तो ये जो रामकृष्ण मिशन है वृंदावन, इसमें सिर्फ मंदिर नहीं है, इसमें आपको चैरिटेबल हॉस्पिटल भी मिलेगा। ये एक्चुअली वृंदावन रामकृष्ण मिशन को एक अलग पहचान देता है। तो ये रास्ता जो आप देख रहे हो, ये मंदिर से निकलने का बाद वही चैरिटेबल हॉस्पिटल का तरफ आता है, एंड द चैरिटेबल हॉस्पिटल वॉज द मेन पार्ट ऑफ वृंदावन रामकृष्ण मिशन। बिकॉज एज यू अंडरस्टैंड, चैरिटेबल हॉस्पिटल मीन्स, आई मीन इट्स समवेयर इट इज़ मेंट लाइक स्मॉल थिंग, जहाँ पर थोड़ा बहुत टेस्ट हो जाता है या थोड़ा बहुत मेडिकल ट्रीटमेंट हो जाता है, लेकिन दिस इज़ समवेयर यू कैन फील लाइक इट्स अ फुल फ्लेज्ड हॉस्पिटल, जहाँ पर नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पर यू कैन यू कैन विजिट विद द पेशेंट्स, जहाँ पर कैंटीन्स वगैरह है, इमरजेंसी सेंटर है, एवरीथिंग इज़ देयर एंड इट्स फुल फ्लेज्ड, इट्स लाइक अ मेडिकल कॉलेज काइंड ऑफ थिंग। तो ये आप लोगों को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि कभी भी अगर वृंदावन में कोई भी प्रॉब्लम आपको आए और आपको पता नहीं है कि मेडिकली कहाँ जाना है, क्या करना है, तो यू कैन विजिट दिस प्लेस। दिस इज़ अ टेरिफिक प्लेस, आई मीन पीपल आर कमिंग एंड इट्स ऑल अबाउट फ्री, यू नो इट्स वेरी लेस कॉस्ट, क्योंकि आपका तो पूरा पैथोलॉजी फ्री में हो जाता है। उसके बाद थोड़ा बहुत पैसा आपको शायद लग जाएगा कुछ कुछ टेस्टिंग में, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट जो होता है वो पूरा फ्री होता है। तो इट्स अ बिग थिंग नाउ इट इज़, रामकृष्ण मिशन इज़ डूइंग दैट एंड दैट्स अ ग्रेट प्लेजर फॉर अस, बिकॉज हम लोग तो रामकृष्ण मिशन का स्टूडेंट हैं। तो ये इमरजेंसी जो है, वहाँ से बाहर निकलते हुए हम लोगों को लेफ्ट में आपको अभी कैंटीन दिखा, जो भी एक बहुत बड़ा है। कैंटीन का सामने तो आपको गेस्ट हाउस भी मिल जाएगा, मतलब अगर पेशेंट के साथ कोई पेशेंट का फैमिली मेम्बर आता है तो दे कैन ईजिली स्टे देयर। इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा हॉस्पिटल में भी कभी कभी नहीं होता है। तो ये एक्चुअली जो आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में, या वृंदावन रामकृष्ण मिशन का एक बुक स्टोर है, जहाँ पर बुक्स वगैरह या कुछ और किताबें एंड रामकृष्ण मिशन का अलग फ्रेंचाइज, मतलब प्रोडक्ट्स वगैरह, इंटेंस स्टिक्स वगैरह, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो शाम का टाइम था, मन तो आरती पे ही रुका हुआ था, हम लोग वही सोच रहे थे कब आरती में जाएं। तो 6:40 में आरती स्टार्ट होने वाला था, तो जब हम लोग मंदिर आए तो आरती वॉज गेटिंग स्टार्टेड। आप लोग इसका आनंद लीजिए, ये बहुत नॉस्टैल्जिक होता है हम लोगों के लिए, बिकॉज वी आर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ आसनसोल रामकृष्ण मिशन, तो ये हम लोगों के लिए तो बहुत प्रेस्टिजियस एक थिंग है। तो आरती खत्म होने वाला था,
इट वॉज अ ग्रेट प्लेजर कि हम लोगों को ये देखने मिल गया, क्योंकि इसी दिन शाम का हम लोगों को ट्रेन था देहरादून लौटने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ठाकुर मां स्वामी जी को प्रणाम करते हुए हम व्लॉग ख़त्म कर रहे हैं। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब करना चैनल को, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।